कुछ शायर गा कर नहीं रो कर महफिल सजाना जानते हैं, ये कहना है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का। बता दें कि जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी में एंट्री की है, तभी से उनकी तरफ से धारदार हमले पीएम नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने ये साफ कर दिया है कि देश को बचाना बेहद जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा देश पूरी तरह से डूबता जा रहा है, ऐसे में इस डूबी हुई नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार ने अपनी एंट्री की है। लेकिन बात हम करेंगे कल की, जहां कल जिस तरह से पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, इसको लेकर अब अलग अलग तरह से जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। खासकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक के बाद एक हमले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जान की कीमत भी उतनी ही है जितनी की एक किसान की है। ऐसे में विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर जब सालों साल किसान सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, जब लाखों किसानों की मृत्यु हो गई, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? और आज 5 मिनट अगर उनके गाड़ी को रोक दिया गया, किसानों ने प्रदर्शन किया, तो आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की सट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा कि उनकी जान को खतरा है? ऐसे में अब कन्हैया कुमार ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सायराना अंदाज में ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए हमला बोला है। क्या है ये ट्वीट? ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार ने लिखा है, कुछ शायर गाकर नहीं रोकर महफिल लुटाना चाहते हैं। तो ये जो शायराना ट्वीट है ये कन्हैया कुमार ने किया है और बताया है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी गा बजाकर लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन अब ये कहीं से भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचते हैं और उनकी तरफ से जनता को बहलाने और फुसलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जनता उनके बातों में नहीं आने वाली है और यही वजह है कि लगातार विपक्ष की तरफ से हमले केंद्र सरकार पर किए जा रहे हैं। खासकर कल जिस तरह की तस्वीरें पंजाब से देखने को मिली, जब पीएम मोदी के काफिले को रोक दिया गया, उन्हें रैली में नहीं पहुंचने दिया गया और मंजर ये हो गया कि पीएम नरेंद्र मोदी को बिना रैली किए ही वहां से वापस लौटना पड़ा। ऐसे में अब जो हमले हैं वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से की जा रही है, चाहे हम आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम लोगों का यही कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ये हमला पीएम नरेंद्र मोदी पर किया है। बता दें कि कन्हैया कुमार बिहार में अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद से ही जो उनकी राजनीति है उसमें उछाल आया है और लगातार वो एक के बाद जो हमले हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल की तस्वीरों को लेकर, कल के हालात को लेकर अब ये ट्वीट कन्हैया कुमार की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है और बताया है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी गा बजा कर लोगों को बहलाना फुसलाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।